मन संकल्प कैसे करता है? चित्त के अनुसार। चित्त से परे क्या है? बुद्धि। बुद्धि से परे क्या है? आपका अहम। तो अहंकार का परिष्कार कैसे होगा? आप हमेशा ये भावना कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब आपकी दृष्टि शरीर पर जाती है, शरीर भाव जागृत होता है, वहीं से संसार शुरू हो जाता है। जैसे आपका शरीर काफ़ी सुंदर है, आपके सामने कोई काला कलूटा व्यक्ति आ जाए और आप नाक सिकोड़ करके उधर देखने लगे, तो आपका पहले ध्यान किस पर आ गया? कि आप शरीर हैं। जब शरीर है तो इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं। आंखें रूप को देखकर पागल हो रही हैं, कान मधुर ध्वनि को सुनना चाहता है, जीवा स्वादिष्ट पदार्थों को खाना चाहती है, रस लेना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श करना चाहती है। 5 इंद्रियों के विषय आपके मन को ललचाने लगते हैं और बेचारा मन उसमें फंस जाता है। लेकिन जब आप आत्मिक भाव रखेंगे तो आपके अंदर कभी भी ये नहीं रहेगा कि वो गरीब है, वो पिछड़े समाज का है, मैं बड़ा हूँ। इन सारे द्वंद्वों से परे रहेंगे और आपका मन संसार में फंसने से बच जाएगा। मन को शांत करने के लिए पहले सुधार है अहंकार का, कि आत्मिक भाव से अपना जीवन बिताइए। उठते बैठते सोते जागते यह सोचिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। दूसरा, बुद्धि का परिष्कार। बुद्धि का परिष्कार क्या कैसे होगा? आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि होती है आहार की शुद्धि से। यदि आपके भोजन में तमोगुणी आहार है, तमोगुणी समझते हैं, जिसका रस जल गया, यात यामम गतिरसम पूर्तिम च परिष्टम च उच्चिष्ठम च मेतमम च भोजनम तामसम प्रियम। तामसी व्यक्ति को कैसा भोजन प्रिय होता है? जिसका रस जल गया हो, बासी हो, सड़ा गला हो, जूठा हो, ये भोजन तामसिक कहलाता है। आप खा रहे हैं, आधी थाली छोड़ दिया, उसको फ्रिज में रख दिया कि मैं बाद में खाऊं, दोपहर के बाद उसको खाते हैं। रात की बनाई हुई कोई चीज़ है और सवेरे खाने लग रहे हैं, गर्मी में तो ऐसे ही सड़न आती है, बदबू आती है। इसलिए जो बासी होता है, जूठा रखा हुआ भोजन होता है, वो तामसिक होता है। और रजोगुणी भोजन मात्रा से अधिक हो जाए तो वो भी तामसिक होता है। रजोगुणी भोजन में क्या है? दाल में नमक पड़ा है, आप और नमक लेकर के डाल रहे हैं, बहुत अधिक नमक, कटु, कड़वा, अम्ल, खट्टा। अभी ज्ञानपीठ में कच्चे आम हैं, यदि छूट मिल जाए तो एक ही दिन में सब तोड़ तोड़ कर नमक के साथ खा जाएंगे। ये खटाई क्या है? आपके मन को चंचल बनाएगी। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण गरम गरम चाय पीना, दूध भी यदि सीमा से अधिक गर्म हो तो हानिकारक होता है। देखिए गाय का दूध धारोष्ण कैसा होता है, जैसा धारोष्ण दूध होता है गाय के दूहते समय का, उसी के तापक्रम का दूध पीना चाहिए। चाय की तरह चुस्की लेकर दूध पियेंगे तो वो रजोगुण पैदा करता है। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाइना, तीक्ष्ण तीखा, विदाइना जिसके खाने से जलन हो, परिणाम क्या होता है? ये तीखा यानी मिर्च, खूब लाल लाल मिर्च। सूरत का भोजन कैसा होता है? सब्जी देखिए तो लाल लाल मिर्चे से लाल हो गई होती है, खूब तेल होता है, खूब गर्म गर्म मसाले होते हैं। इसको खाकर आप ध्यान में बैठेंगे तो रजोगुणी बुद्धि के कारण, रजोगुण के कारण मन चंचल हो जाएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप कहलाने के लिए बैठ जाएंगे। और स्वाद के कारण मात्रा से ज़्यादा खा लेंगे तो तमोगुणी होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये गीता का कथन है। और गीता को नहीं मानते हैं तो वाणी को तो मानेंगे। वाणी क्या कह रही है? रेवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभो न दुखावे के। तो सुंदर साथ को तो भोजन में ही सुधार करना पड़ेगा। आप हमारे समाज के सभी स्थानों में चले जाइए, अधिकतर स्थानों में रजोगुणी और तमोगुणी भोजन ही मिलता है। एक बात मैं और कहूँगा, अभी मैंने गीता का उदाहरण देकर बताया था कि तामसिक भोजन क्या होता है। पूर्तिम च परिष्टम च,
वासी सड़ गला दुर्गंध जिससे आ रही हो, पर्युषितम दुर्गंधित हो, जिससे भी दुर्गंध आती है वो तामसिक होता है। मांस में दुर्गंध आती है, शराब में दुर्गंध आती है, अंडे में दुर्गंध आती है, और वैसी ही दुर्गंध लहसुन और प्याज में भी आती है। लहसुन प्याज में पाप नहीं है, औषधि है एक तरह से, लेकिन औषधि के रूप में तो प्रयोग नहीं करते लोग। क्या करते हैं, अब जैसे लू लग गई है तो उसमें प्याज गुणकारी है, लेकिन लहसुन और प्याज की छौंक लगाकर खाएंगे तो उसका औषधीय गुण तो नष्ट हो गया लेकिन तमोगुण बना रहेगा। लहसुन की कली छीलकर यदि आपको हृदय रोग है, कोई विशेष संकट है, तो उसकी कली छीलकर पानी के साथ निगल लीजिए, तब तो बात चलती है कि आप औषधि के लिए कर रहे हैं। लेकिन सब्जी और दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए खूब लहसुन डालकर छौंक लगाएंगे और उसको खा करके सोचेंगे कि हम समाधि तक पहुंच जाएं, राज्य आ जाएं, तो मैं भी चाहता हूं कि राज्य आ जाए, लेकिन आएंगे नहीं। मैं दावे से कहता हूं ऐसा भोजन करने वाला चितवनी नहीं लगा पाएगा। वो अपने खुशफहमी में रहता है कि मैं चितवनी लगा लेता हूं, लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुभव है या ऋषि मुनियों का अनुभव है, परमहंसों का अनुभव है, उसके अनुसार रजोगुणी और तमोगुणी आहार करने पर कभी भी ध्यान नहीं लग सकता है। इसलिए जितने भी परमहंस हुए हैं, परमहंस महाराज से रामरतन दास जी का भोजन देखिए, या जितने भी परमहंस हुए हैं उनके साधना के अंतिम समय में उनका आहार सूक्ष्म हो गया है, सात्विक हो गया है, क्योंकि उस अवस्था में मन की एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। रतनपुरी में एक बार एक नेपाल का लड़का था, उसने प्याज खा लिया था, सरकार से आए, उनके पास सूचना पहुंच गई थी, जब तक उस लड़के को निकाला नहीं, गेट के बाहर नहीं चला गया, सरकार से ने पानी तक नहीं पिया। आते ही पहला काम उसको निकालने का किया। तो आप सोचिए क्यों, ऐसे क्या जरूरत है? क्योंकि यदि आपके आहार में सात्विकता नहीं होगी तो आप किसी भी कीमत पर न तो ऊंचे स्तर के विद्वान बन सकते हैं, न ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए बुद्धि शुद्ध होगी आहार से, बुद्धि शुद्ध होगी तो आपका चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो आपका मन शांत होगा। इसलिए अपना अभ्यास बनाए रखिए, आपका मन लगता है या नहीं लगता है इसकी चिंता छोड़ दीजिए। अटूट श्रद्धा के साथ, अटूट समर्पण के साथ, अटूट विश्वास के साथ निश्चित समय पर चितवनी में बैठिए। मन भागते भागते एक दिन स्थिर हो जाएगा। इसके लिए मैंने कहा कि अहंकार को सुधारने के लिए आत्मभाव जागृत कीजिए कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आहार को सात्विक कीजिए, और चित्त को शुद्ध करने के लिए चित्त में जो बुरे संस्कार हैं, चितवनी का निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके चित्त से बुरे संस्कार निकल जाएंगे और उसके स्थान पर राज्य के भावों से जुड़े हुए अच्छे संस्कार जुड़ जाएंगे। जैसे आप में जिन सुंदर साथ ने अनुभव किया होगा, जब वो चितवनी नहीं करते थे, केवल कर्मकांड करते थे, माला जप वगैरह कर लेते थे, उस समय उनके मन में और अब चितवनी में जो प्रतिदिन 2 घंटा बैठते हैं, उनके मन में दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हर सुंदर साथ अनुभव कर सकता है कि जरूर कुछ अंतर हुआ है। चितवनी करने से पहले आप औपचारिकता करते थे, पाठ कर लिया, मेहर सागर का पाठ कर लिया, प्रसाद ले लिया, आरती में खड़े हो गए, लेकिन जब आप चितवनी कर रहे हैं तो राज्य के नख से सिख तक की शोभा को देखते हैं। देखिए सवेरे सवेरे उठकर आप किसी की निंदा करने लगे तो जानते हैं क्या नुकसान होगा। आप कहते रहिए वो बहुत ठग है, वो बहुत गंदा है, वो ये है, वो तो बेचारा दूर बैठा है, आपको कितना नुकसान हो रहा है आप नहीं समझ रहे हैं। उसके बुराई के संस्कार तो आपके अंदर चित्त में घुस रहे हैं कि वो ऐसा है। जब राज्य का आप ध्यान करते हैं तो राज्य का प्रेम, राज्य का आनंद, राज्य के हृदय की पवित्रता आपके अंदर आने लगती है। इसलिए आप हर वस्तु को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा कीजिए। आपका कार्य नहीं है, आप कह सकते हैं कि मैं तो समाज के सुधार के लिए बता रहा हूं कि ये खराब है,
तो ये कार्य आपका नहीं है, ये परिपक्व लोगों का है। जैसे एक व्यक्ति को कहा गया कि इसका शराब, इसकी शराब छुड़ा दो, वो कच्चा था, उपदेश देना तो सरल होता है। उसने जाकर कहा कि देखो शराब बहुत खराब होती है, तुम इसको छोड़ दो। उसने कहा कि तुमने पी तो नहीं है, एक बार पी करके देखो। अब वो जो परिपक्व नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा, वो एक घूंट लगाएगा फिर वो भी उसके बंधन में हो जाएगा। मेरे कहने का ऐसे क्या है कि आप दूसरों की बुराई करके उसकी बुराई के संस्कार आप अपने चित्त में डालते हैं। इसलिए संसार में रहने के लिए तीन तरीके होते हैं, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। मैत्री किससे कहिए, जो आपके विचारों के अनुकूल होते हैं, जो सत्य पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके समझाने पर भी सही मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उनके प्रति दया रखिए कि ये बेचारे अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, हे परमात्मा इनका कल्याण कीजिए, बस आप इतना कीजिए। और जो लाख समझाने पर भी सही रास्ते पर ना चलें, उल्टे आप पत्थर बरसाने की भावना करें, उनके साथ क्या करना है आपको, उपेक्षा वृत्ति ले लेना है कि ये तो सुधार होगा नहीं, मैं अपना समय और अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करूं। इसलिए मैत्री उनसे कीजिए जो आपके समकक्ष हों, आपके विचारों पर चलते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, और ऐसे लोगों को देखकर आप प्रसन्न होंगे। लेकिन जो सुधर ही नहीं सकते उन पर केवल करुणा की जा सकती है, राज्य से प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन उनकी निंदा कर करके, उनके बारे में बार बार सोच करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अपनी वाणी को सम्यक बनाइए, अपनी वाणी को शालीन बनाइए ताकि समाज पर आपका असर पड़े। इसलिए ध्यान करने वाले को दूसरों के कल्याण के लिए ध्यान का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। जैसे लोहा है, उसमें जंग लगा है, आप 10 लोगों से कहते रहिए बहुत गंदा लोहा है, बहुत गंदा लोहा है, कहने से तो लोहे की गंदगी जाएगी नहीं। उस लोहे को आग में तपाना शुरू कर दीजिए, फिर क्या होगा, लोहे की गंदगी अपने आप खत्म हो समाप्त हो जाएगी और लोहा भी आग जैसा बन जाएगा। इसलिए यदि आप संसार को सुधारना चाहते हैं तो आप उनको कहिए कि भाई वाणी का चिंतन करो और राज्य की चितवनी करो, बुरा से बुरा व्यक्ति भी राज्य की शरण में आकर के शांत हो जाएगा।